मंगल बध होगा तो चंद्रमा नहीं होगा, और जहां चंद्र होगा वहां मंगल बध नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लाल किताब कहती है कि मंगल बध का जब प्रपोर्शन बढ़ता है तो चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है, और जब चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो मंगल बध कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों मंगल हमारे घर की हर तरह की खुशी का कारक होता है, आपकी मेहनत का कारक होता है, आपके एफर्ट्स आपके कॉन्टेक्ट्स का कारक होता है, और मंगल जो है हर किसी शुभ कार्य का प्रतीक होता है, इसीलिए शुभ कार्यों को मंगल कार्य भी बोला जाता है। तो दोस्तों जब आपकी कुंडली में मंगल बध हो जाता है ना, तो आपके घर की हर एक खुशी के मौके में रंग में भंग डाल देना, हर खुशी के मौके पर रिश्तेदारों में डिस्प्यूट करवा देना, कला कलेश करवा देना, घर में खून की बीमारियां खड़ी कर देना, मंगल बध का काम होता है। मंगल बध जब होता है तो उसके उपाय करने इस हद तक जरूरी हो जाते हैं कि इंसान की सेहत जो है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। साइंस ने जितनी मर्जी तरक्की कर ली हो लेकिन आज तक कृत्रिम खून नहीं बना सकी, इसलिए खून दान करना एक महा उपाय होता है मंगल बध के लिए। लेकिन जैसे कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हम अपने हर रोज की दिनचर्या के हिसाब से इन त्योहारों की मदद से कैसे अपने मंगल बध को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से मंगल बध के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं, उसके लिए महा उपायों के बारे में जानते हैं। कहते हैं जैसे कि मंगल बध जहां होगा वहां पर चंद्रमा नहीं होगा, और जहां चंद्र होगा वहां मंगल बध नहीं होगा, तो इसको कैसे इस्तेमाल करें, ये एक फॉर्मूला है मंगल बध के उपाय को बनाने का। जब भी मंगल बध होगा तो नेक दान को गिनते हैं, यानी कि मंगल बध की चीजों का दान कर दिया जाए। कैसे किया जाए, मंगल बध जहर होता है, इसलिए किसी भी धर्म स्थान पर आप जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, फिनाइल होती है, उन चीजों का दान करते रहना चाहिए, जिससे कि मंगल बध के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। उसके बाद जैसे कि मंगल बध है तो चंद्रमा कमजोर पड़ जाना है, इसलिए मंगल मीठे का कारक भी है, तो इसलिए दूध से बनी हुई मिठाई जैसे कि खोए की बर्फी हो गई, उसके बाद कलाकंद हो गई, तो ये दूध से बनी हुई जो भी मिठाई है उसे आप धर्म स्थान में या फिर मुसाफिरों में बांटते रहा करें। कहते हैं मंगल बध के समय मीठा नहीं बांटना चाहिए, ये आप सबका सवाल होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि उस वक्त मीठा नहीं बांटते जिस वक्त आपके घर में कोई फंक्शन हो। लेकिन अगर आप धर्म स्थान में जाकर के वहां पर प्रसाद के तौर पर आप जब दूध की बनी हुई मिठाई चढ़ा दोगे, वहां पर वहां के जो श्रद्धालु आएंगे उनमें जब आप मिठाई बांट दोगे तो वो मिठाई बांटी नहीं काउंट होगी, वो प्रसाद बांटा काउंट होगा, उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि आपकी कुंडली में मंगल बध के बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे और आपके मंगल नेक के शुभ प्रभाव जो है वो बढ़ जाएंगे। अब मंगल बध का एक और जबरदस्त उपाय है रेवड़ियों का, यानी गुड़ की रेवड़ियां जिनके ऊपर सफेद तिल लगे होते हैं, जो बिल्कुल छोटे साइज में होती हैं, उनको जल प्रवाह करवाया जाता है। उनका लॉजिक क्या है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है दोस्तों, जो गुड़ की रेवड़ी होती है उसमें सूर्य और मंगल का असर होता है, और उसके ऊपर जो सफेद तिल लगे होते हैं, सफेद तिल सिर्फ जो हैं वो चंद्रमा के अधीन आते हैं, काले तिल शनि के अधीन आते हैं, लेकिन जो गुड़ की रेवड़ी पे सिर्फ सफेद तिल लगे होते हैं, यानी कि सूर्य मंगल और चंद्र, तो जब आप गुड़ की रेवड़ियां बहते हुए पानी में जल प्रवाह करोगे तो वो रेवड़ियां जो है वो पानी पर फ्लोट करती हैं, तैर जाती हैं। लेकिन चीनी की जो रेवड़ी आती है, सफेद रंग की चीनी की जो रेवड़ी आती है, उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि वो चीनी जो है, चीनी की रेवड़ी हमेशा पानी में डूब जाएगी। ये आप आजमा के देख लीजिएगा, चीनी की रेवड़ी क्यों पानी में डूबती है, क्योंकि जब शुगर मिल आप चेक करोगे तो चीनी बनाते समय उसमें पारे का इस्तेमाल होता है, मरकरी का इस्तेमाल होता है, जो कि वजन में बहुत हैवी होता है,
इसी वजह से जो नॉर्मल शुगर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जब से उस शुगर का इस्तेमाल शुरू हुआ है डायबिटीज जैसे रोग बढ़ गए हैं। जब तक देसी खांड का इस्तेमाल होता आया था तब तक इंसान को शुगर, मधुमेह, डायबिटीज जैसे रोग नहीं होते थे, बहुत ही कम मात्रा में हुआ करते थे। इसलिए हमेशा मंगल पद के लिए गुड़ की रेवड़ी का इस्तेमाल करना है, चीनी की रेवड़ी का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। उसके बाद मंगल पद को ठीक करने के लिए जो मिठाइयां हम लोग आजकल बांटते हैं आपस में, उन मिठाइयों में नमकीन का पैकेट ऐड जरूर करते हैं। जो पुराने समय में ट्रेडिशन होता था कि जब भी कोई घर में बड़ा फंक्शन हुआ करता था तो भाजी बनती थी, उसमें मीठे शक्करपारे भी होते थे और नमकीन जलंधरी पकौड़े भी होते थे, यानी उसी भाजी में मीठा और नमकीन दोनों ऐड किया जाता था। नमकीन जो है वो सूर्य ग्रह का कारक होता है, तो जब मीठे के साथ साथ नमकीन बांटा जाता था तो सूरज और मंगल एक साथ इकट्ठे कर दिए जाते थे। जो भी बुरी नजर इंसान को या उस घर को या उसके खुशी के मौके को लगनी है वो सारी की सारी नजर जो है वो हट जाए और मंगल नेक होकर के आपके घर में खुशियों के मौके जो है वो बार बार आते रहें, रिपीट करते रहें, आपके घर में मंगल कार्य होते रहें। इसलिए आपको मंगल बद के उपाय करते रहना चाहिए, मंगल नेक बना करके रखना चाहिए। मंगल बद अगर होता है तो आपका खून भी बहुत गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा खून बीमारियों का घर होता है। इसलिए जिन लोगों का मंगल बद है दूध की बनी हुई मिठाई धर्म स्थान पर दान करते रहो, गुड़ की रेवड़ियां जो हैं वो बहते हुए पानी में जल प्रवाह करते रहो, और उसके साथ साथ जो भी रिश्तेदार आपके घर में आते हैं, जो भी आप मंगल कार्य करते हो, उस मंगल कार्य के दौरान मिठाई और नमकीन दोनों एक साथ सामने वाले को ऑफर करो, जो भी उसका मन हो वो खाए। तो इससे आपका जो मंगल कार्य है उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ेगा, आपके घर में मंगल कार्य बढ़ते चले जाएंगे और आपके घर में खुशियों का माहौल और बरकत का माहौल जो है वो हमेशा बना रहेगा। परमात्मा आपके घर में बहुत सारे मंगल कार्य करवाता रहे, खुशियों का खजाना भरता रहे, ऐसी मेरी कामना है, दाता भली करे। जो लोग अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9872372201। मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।